आज मिलिए सुरेंद्र दास जी से, कि बहुत सालों से हमारे घर के बाहर बैठते हैं और मोची का काम करते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, मरम्मत करते हैं, सुधारते हैं, साथ ही साथ बैग्स की भी मरम्मत करते हैं, जैसे जिप्स की मरम्मत करना, लेदर की मरम्मत करते हैं। इन सब के लिए वो कुछ उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुई धागा, हथौड़ा, गोंद और खुद की कुछ क्रिएटिविटी भी, रचनात्मकता। हाँ, मुंगेर से आए हैं, कलकत्ता में कोठी है, वहाँ पर हम बैठते हैं। हम बिहारी हैं, मुंगेर का रहने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनका एक दिन कैसे बीतता है। सुबह उठते अपना क्रियाकर्म करते हैं, चाय पानी पी के फिर हम ड्यूटी में चले आते हैं। सुरेंद्र जी सुबह लगभग 4-5 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं और फिर काम के लिए निकल जाते हैं। फिर जब 12 बजे 1 बजे आगा फिर खाना खाते हैं, खाना खा के फिर ड्यूटी करते हैं, फिर 5 बज गया बंद कर देते हैं। यही तो हमारा रोज की धंधा यही है। ये जो काम करते हैं ना, इसका कोई दाम नहीं है, इसका ठिकाना नहीं है। ये हमारा मुंह का ठिकाना है कि हम इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे, उसी में वो राजी होता तो करता है, नहीं राजी होता चले जाते हैं। बंद करके फिर जाते हैं तो खाना वाना बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी और दाल भात चोखा चाहे सब्जी, यही खाते हैं। हम निरामिष आदमी हैं, एकदम पूरा संन्यासी है जिसको बोलते हैं, एक नंबर संन्यासी में हम हैं। न मांस न मछली न दारू न शराब कुछ नहीं खाते हैं। इनकी उम्र 71 साल यानी कि 71 है। पिछले 60 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनके जज्बे की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अभी उम्र 71 है। 71 है। हाँ, अब इच्छा नहीं करता है, अब रिटायरमेंट मैन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मेरा। मजबूरी आपने ले कि अपने परिवार के लिए? नहीं नहीं, परिवार आप हम सकेंगे नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। ये जो है शरीर जो है मिट्टी है, कभी हम क्या हो जाएंगे को ठीक नहीं, उम्र तो हो गया हमको। ये जो है शरीर जो है मिट्टी है, हम बहुत दिन से बैठते हैं ये पर और कहीं हम गया नहीं, न पंजाब हरियाणा कोई डिस्ट्रिक्ट में हम गया नहीं, खाली इसी जगह आए और गांव गए। वो हम बच्चा से काम करते हैं और इसका कोई तनख्वाह तो नहीं है। कभी 100 रुपया कमाया, कभी 50 रुपया कमाया, कभी 200 रुपया कमाया, कभी नए भी कमाए, कोई ठीक नहीं है, ये रोजगार का कोई ठीक नहीं है। वैसे दास जी तो कलकत्ता में रहते हैं लेकिन उनका परिवार बिहार में रहता है। हमारा परिवार है, हमारा बहू माँ है, 2 लड़का है, 2 बहू माँ है, पोता पोती 9 है। कलकत्ता में नहीं रहता, हम सिर्फ कमाने के लिए आए कलकत्ता, और साल में 2-3 मिलते हैं, 4 बिहार मुंगेर 4 जाते हैं, साल में 4 जाते हैं। वो कमाता है, वही राजमिस्त्री का काम करता है लड़का, और कोई काम करने वाला आदमी नहीं है हमको घर में। इनके शादी के लगभग 40 साल हो चुके हैं। शुरू में वो अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता आए थे, लेकिन फिर बंगाल में रहा कुछ दिन, यहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा, जब नहीं सकने लगा ना तब वो चला गया बिहार, उसको रख आए। और किसी के साथ में हम रहते हैं, अकेले रहते हैं और रमाय रोड में रहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि उन्हें चमड़ी यानी कि लेदर कहाँ से मिलती है और महीने में लगभग कितना कमा लेते हैं। हम चमड़ी जो लेते हैं, पद्दू पोखर, इटाली पद्दू पोखर जो होते हैं, उसी जगह से माल खरीद के यहाँ टुकड़ा टकड़ी जो ले आते हैं उसी से काम करते हैं। नया जूता चप्पल नहीं बनाते हैं, कभी फुल सोल करते हैं, कभी हाफ सोल करते हैं, ये सब करते हैं। और दाम का उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। जैसे अब हम 250 रुपया लेते हैं और उसको मंजूर नहीं हुआ कि हम 200 रुपया देंगे तो हमको नहीं पोसाएगा तो चले जाता है। वो महीना में रखिए ना, 15-20 हज़ार रुपया हो जाता है। बीवी बच्चा के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारा यहाँ भी तो कलकत्ता में खर्च है। यहाँ जो देखते हैं
तो भरा हुआ लेट भरा हुआ घर भरा हुआ ये तो चलेगा, खाना पीना हुआ सब कुछ तो इसी में सबको चलाना पड़ता है। जब उन्होंने शुरुआत की तब मोची का काम उन्होंने किससे सीखा? ओ हमको दिखाया एक तो आदमी मर गया, वो जो था मास्टर वही सिखाया पढ़ाया, उसका बाद में हम काम करने लगा। अच्छा, वैसे हम में से ज्यादातर सभी को फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो क्या सुरिंदर दास जी को भी फिल्में देखना पसंद है? फिल्म पहले उम्र में छोकरा था आपका उम्र, तो उस समय में फिल्म देखता था, अभी तो 20 वर्ष हो गया फिल्म विल्म नहीं देखते। अच्छा, और टीवी भी नहीं देखते? कुछ नहीं, आँख खराब हो जाएगा इसी से नहीं देखते। चलिए ये तो अच्छी बात है, while most of us are glued to our mobile phones or some screen, ऐसा एक शख्स तो है who's not addicted to any screen। और क्या सुरिंदर जी के कोई ख्वाब है, कोई सपने हैं या कोई इच्छा है जो वो पूरी करना चाहते हैं? नहीं नहीं कोई सपना नहीं है, कोई सपना नहीं है, ये तो हमारा इच्छा है। आज कोनो काम बंद कर दिया छोड़ दिया हम नहीं करेंगे, खत्म है काम, ये किसी का अंदर में हम नहीं है। मैंने कई साल से देखा है कि सुरिंदर जी हर मौसम में काम करते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कैसे कर लेते हैं? लुका उका कर रहते हैं, पानी उनी से पड़ा कोई बरसात वरसात बेसी हो गया तो यहाँ से छिप उप कर रहते हैं। मेरे नाना जी जब जिंदा थे तो सब उनसे बहुत प्यार करते थे, रिक्शा वाले, मोची जी। इनफैक्ट जब मैंने मोची जी से पूछा कि उनके लिए उनका इंस्पिरेशन कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे नाना जी, वो उनके लिए भगवान जैसे थे। वो जो आपको दादू था ना, बोला कोई झमेला नहीं करेगा तुम, वो कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत अच्छा था वो, बोलिए नहीं, वो हमारा मालिक था, बोले भगवान था हमारा, जिसको बोलते गोड, वो गोड था हमारा, हमारे लिए बहुत अच्छा था। वो पैसा नहीं समझता था, पार्टी के बाहर दिए जो निकल गया दो चार पैसा 10-20-100-50 हमको दे दिया, बहुत अच्छा आदमी था वो, बेचारा चला भगवान था हमारा। आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सुरिंदर जी की इज्जत करते हैं, चलिए खुद उनसे सुनते हैं। बहुत मैंने जैसे बंगाली हुआ, गुजराती हुआ, मरवाड़ी हुआ, ये सब जिसको इच्छा होता है हमको मानता है, उसको हम भी ख्याल करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, मानता है। किसी अपने के यहाँ ना होने के बावजूद सुरिंदर जी 60 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस आदमी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, मैं इन्हें बहुत साल से देख रहा हूं लेकिन पहले कभी इन पे ध्यान नहीं गया। इससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एवरीडे लाइफ में ऐसे बहुत लोग होते हैं हु वी आर सो यूज्ड टू कि हम उन पे ध्यान नहीं डालते। कभी कभी तो वो अपने परिवार वाले या दोस्त भी हो सकते हैं। सो लेट अस नॉट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड एंड लेट अस बी हैप्पी विद हूएवर वी हैव। अगली बार जब सड़क पर ऐसे किसी इंसान को देखो, भले आर्थिक रूप से उसकी मदद ना करो लेकिन कम से कम एक स्माइल तो कर दो यार। अ स्माइल कॉस्ट नथिंग बट इट स्प्रेड्स पॉजिटिविटी। नहीं है, हम यहाँ पर सिंगल आते हैं और खामा खोले जाते हैं, खाना पीना खा के सो जाते हैं, सीधा बात है।